नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। नजर पाउने देश दुनिया की टॉप 10 खबरां ते। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। प्रचंड हैदराबाद हाउस विच दो पक्षी बैठक के दरमियान भारत के प्रधानमंत्री मोदी नाल कीती मुलाकात। इस मौके ते मोदी बोले, नेपाल भारत दे विच रामायण सर्किट का काम तेजी नाल होएगा पूरा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और सीबीआई करेगी मणिपुर हिंसा की जांच। कल तो शुरू होएगा सर्च ऑपरेशन। किसी के कोल हथियार मिले तो लिया जाएगा सख्त एक्शन। दस दिए कि मणिपुर हिंसा में हुण तक 80 लोगों की हो चुकी है मौत। हुण आम लोग देख सकणगे राष्ट्रपति भवन। पहला तो ही कराणी होएगी ऑनलाइन बुकिंग। हफ्ते में 6 दिन रहेगी सुविधा। राष्ट्रपति की पहल से राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोलने का लिया गया फैसला। कर्नाटक के चामराजनगर में IAF सूर्य किरण एयरक्राफ्ट होया क्रैश। बेंगलुरु एयरपोर्ट तो भरी सी उड़ान। एयरक्राफ्ट की महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित। जहाज तो नियंत्रण खोण के कारण होया सी हादसा। राजस्थान के बिजली खपतकारों लिए वड्डी खबर। हुण 100 यूनिट तक नहीं भरना होगा बिजली बिल। 200 यूनिट तक सरचार्ज रकम भी की सरकार ने माफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं लेंगे Z+ सुरक्षा। केंद्र दा ऑफर ठुकराया। मान बोले, डबल सुरक्षा तो होएगी प्रॉब्लम। सीएम मान दी सुरक्षा टीम ने केंद्र सरकार नु चिट्ठी लिख के भेजा अपना पक्ष। पंजाब विच 5 इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 66 मार्केट कमेटी चेयरमैन नियुक्त। मुख्यमंत्री मान ने लिस्ट की जारी। बोले, रंगला पंजाब टीम विच तुहाडा स्वागत। नवी जिम्मेदारियां दे लई मुख्यमंत्री मान ने दित्ती सारयां नु शुभकामनावां। फतेहगढ़ साहिब विच मुठभेड़ के बाद दो गैंगस्टर काबू। दोनों नूं लगी गोली। पेट्रोल पंप दे करिंदे तो फायरिंग कर लुटे सी 40 लाख रुपए। पुलिस मुताबिक I-20 कार दे सवार होकर चंडीगढ़ तरफ जा रहे सन गैंगस्टर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे HCS पेपर कॉपी का मामला। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिजल्ट से लगाई रोक। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्तावां दी गल नूं सुने सरकार, उन्हां दी एप्लीकेशन ते लिया जावे फैसला। हरियाणा के जिला करनाल में चलती डबल डेकर बस में लगी अग। टायर फटने के निकली चंगारियां। खिड़की तोड़ के सवारियां निकलियां बाहर। नेशनल हाईवे से 10 पिंड के नजदीक होया हादसा। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड से दो गड्डियां मौके पर पहुंचिया। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरें देखने के लिए देखते रहो सच कहूं न्यूज़ चैनल।